इस स्पोर्ट्स जॉनरा के एनिमे को देख के अपने आप को प्रिपेयर कर लो इससे पहले कि इसका सेकंड सीजन आ जाए अक्टूबर में। और ये एक ऐसा एनिमे है जिसको देखने के बाद ये फील होता है कि सारे कैरेक्टर्स को प्रोटैगनिस्ट होना चाहिए था। ये सॉकर पे बेस्ड एनिमे है जिसका नाम है ब्लू लॉक, जिसमें 24 एपिसोड है और इस एनिमे को रिलीज हुए कम से कम 1 से 1.5 साल हो चुके हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्लू लॉक है क्या। तो ब्लू लॉक जापान का एक सॉकर से रिलेटेड कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट का गोल ये होता है कि थ्रू आउट द कंट्री जितने भी बेस्ट अंडर 18 स्ट्राइकर है उनको वर्ल्ड की बेस्ट सॉकर टीम बनने के लिए ट्रेन करना, लेकिन 300 प्लस प्लेयर को ट्रेन करना नामुमकिन था, इसलिए सिलेक्शन राउंड रखा जाता है ताकि वो बेस्ट में से बेस्ट प्लेयर को सेलेक्ट कर सके। और पूरे 24 एपिसोड में सिर्फ सिलेक्शन का ही प्रोसेस होता है और जितने भी लास्ट तक प्लेयर बचते हैं वो बहुत ज्यादा ही क्रेजी कैरेक्टर होते हैं। एनिमे का मेन प्रोटैगनिस्ट तो इसागी है और ये सारे प्लेयर में से सबसे वीक प्लेयर होता है, लेकिन थ्रू आउट द सीरीज कैरेक्टर का ग्रोथ भी सबसे ज्यादा होता है। कैरेक्टर का ग्रोथ तो होता ही रहेगा, सब्सक्राइब करके चैनल का भी ग्रोथ करवा दो यार। और बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक भी कर दे रहा। और इस एनिमे को विजुअली इस तरीके से प्रेजेंट किया कि मुझे नहीं लगता कि कोई और एनिमे अभी तक कर पाया है। इसका एनिमेशन इतना अच्छा था कि अगर ये वीएफएक्स का बहुत कम इस्तेमाल करते फिर भी ये एनिमे अपीलिंग था, लेकिन वीएफएक्स के साथ में ये एनिमे मॉन्स्टर है, क्योंकि कितना भी अच्छा स्टोरी हो अगर विजुअली प्रेजेंटेशन बेकार है तो एनिमे ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लगता। इस एनिमे का म्यूजिक और साउंड इफेक्ट का भी काफी बड़ा इम्पैक्ट है इस एनिमे पे, जो इंटेंस सीन को बहुत ज्यादा एपिक बना देता था। अब सब कुछ इनका बढ़िया है तो कैरेक्टर डिजाइन में कैसे पीछे हट सकते हैं ये, जिससे एक टाइम बाद ऐसा क्यों होता कि मेन कैरेक्टर को ढूंढ लो तो जाने। और इसके कैरेक्टर वेल रिटन है यार, चाहे कैरेक्टर पर्सनालिटी हो, बैक स्टोरी हो, सब कुछ ओपी है। इस एनिमे के राइटर एनिमेटर सबने तो काम बढ़िया किया है, लेकिन कुछ बंदे और हैं जिन्होंने अच्छा काम किया है और वो है इस एनिमे के वॉइस एक्टर्स। भाई इनकी तारीफ तो बनती है क्योंकि यही है ये हिडन सुपरस्टार जिनका बहुत बड़ा रोल है इस एनिमे को एपिक बनाने में। ब्लू लॉक एनिमे दुनिया की नजरों में चाहे जैसा भी हो लेकिन मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद है। इस एनिमे के बारे में बात करने वाला कोई मिल जाए तो मैं घंटों तक बात कर लूं। भाई मैंने स्पोर्ट्स जॉनर के एनिमे तो बहुत देखे हैं, मतलब जितने भी रिलीज हुए उतने तो देखे ही हैं, लेकिन इसके जैसा नहीं देखा है, क्योंकि जिस तरह ये सॉकर को सुपर नेचुरल स्टाइल में प्रेजेंट करते हैं वो काफी कमाल है। कभी कभी तो ये भूल जाता था कि ये नॉर्मल एनिमे है, कोई सुपर पावर वाला एनिमे नहीं। और इस एनिमे को नॉर्मल समझने की तो भूल बिल्कुल मत करना, नॉर्मल है लेकिन नॉर्मल नहीं है। तुम्हें से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ये स्पोर्ट्स जॉनर का एनिमे है तो मैं क्यों देखूं, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स जॉनर तो पसंद ही नहीं है। भाई मैं भी एक टाइम तक स्पोर्ट्स जॉनर नहीं देखता था और मेरी तरह गलती तुम बिल्कुल मत करना। हालांकि इस एनिमे को मैंने ऑनगोइंग ही देखा था, लेकिन जब 7-8 एपिसोड इसके रिलीज हो गए थे तब, क्योंकि इसके बाद ही मेरे को समझ में आया कि मैं कितना बड़ा गलती कर रहा था। और अभी तक जितने भी लोगों ने इस एनिमे को नहीं देखा जाके देखो यार, इससे पहले कि इसका सेकंड सीजन रिलीज हो जाए। ये मस्ट वॉच एनिमे है, इसको तो जरूर देखो यार। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, 100 सब्सक्राइबर तो करवा दे, इतना तो डिजर्व करता ही। और मैं मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। पीस आउट।